स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। आंसर ए 22 जुलाई 1947। एक्सप्लेनेशन, पिंगली वेंकैया ने 1 अप्रैल 1921 को महात्मा गांधी को यह ध्वज भेंट किया था। ध्वज का अनौपचारिक रूप से कांग्रेस की बैठकों में उपयोग किया गया था और इसे औपचारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय तरबूज दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अगस्त, बी 3 अगस्त, सी 4 अगस्त, डी 5 अगस्त। आंसर बी 3 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय तरबूज दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन स्वादिष्ट और ताजगी देने वाले फल का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जिसका इतिहास प्राचीन मिस्र से जुड़ा है। इसकी खेती 2000 ईसा पूर्व से चली आ रही है। तरबूज की पहली फसल लगभग 5000 वर्ष पहले मिस्र में उगाई गई थी। पहले तरबूज के बीज अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में व्यापार मार्गों से गुजरने वाले व्यापारियों को बेचे जाते थे। अगला प्रश्न, भारत दुनिया का कौन सा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर बी दूसरा। एक्सप्लेनेशन, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 अप्रैल जून में 10.28 लाख टन थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल जून में बढ़कर 10.43 लाख टन हो गया। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। अगला प्रश्न, किस शहर को विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? ए नैनीताल, बी शिमला, सी देहरादून, डी कश्मीर। आंसर डी कश्मीर। एक्सप्लेनेशन, कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इस समारोह में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष हानी अल कद्दूमी साद और परिषद की अन्य प्रमुख हस्तियां ने भाग लिया। इससे पहले जून 2024 में विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय ने कश्मीर को अपनी विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, पुरुष टी20 एशिया कप क्रिकेट के अगले संस्करण का आयोजन किस देश में होगा? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन, भारत 2025 में टी20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा, जो 2026 में देश में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण IOA में इसकी घोषणा की। एशिया कप को हमेशा वैश्विक आयोजन की तैयारियों के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसी प्रारूप में खेला जाता है जिसमें विश्व कप आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 1 अगस्त, बी 2 अगस्त, सी 3 अगस्त, डी 4 अगस्त। आंसर सी 3 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, दुनिया में प्रत्येक 39 मिनट में एक व्यक्ति का जीवन अंग में विकार से समाप्त हो रहा है। इन्हें अंगदान से नया जीवन मिल सकता है। कुछ वर्षों में अंगदान को लेकर पहल हुई है। ब्रेन स्टेम डेथ और अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने, मिथकों को दूर करने और मृत्यु के बाद अंग और ऊतक दान को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 से भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है? ए 30 जुलाई, बी 1 अगस्त, सी 2 अगस्त, डी 31 जुलाई। आंसर बी 1 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस पर्वतारोहण के इतिहास और रोमांच की भावना की याद दिलाता है। ये दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में खासतौर से मनाया जाता है। ये दिन पर्वत संरक्षण, सुरक्षा प्रथाओं और जिम्मेदार चढ़ाई के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ए विकास लखेरा, बी रागनी सोनकर, सी उमेश दयाल, डी राधामणि शंकर। आंसर ए विकास लखेरा। एक्सप्लेनेशन, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने बुधवार को असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त PC नायर का स्थान लेंगे।
1990 में 4 से खेलाई में कमीशन प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा एनडीए में डिवीजन ऑफिसर, उप सैन्य सलाहकार और कोहिमा में एआर उत्तर के महानिरीक्षक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कहा गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना शुरू हुई है? ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। आंसर डी गोवा। एक्सप्लेनेशन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में गोयम विनामूल्य विज येवजन की शुरुआत की। गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप है। इसका लक्ष्य सौर छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न, हाल ही में इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? ए अग्रोटेक, बी जोमैटो, सी रैपिडो, डी ओला। आंसर सी रैपिडो। एक्सप्लेनेशन, फिनटेक पफियोस और एआई स्टार्ट कुट्रिम के बाद रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। बता दें कि ओला उबर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली रैपिडो ने हर लेनदेन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्यता आधारित योजनाएं शुरू की है। 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? ए स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, बी चुनाव में धांधली, सी पर्यावरण नीतियां, डी आर्थिक सुधार। आंसर ए। एक्सप्लेनेशन, बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ने वालों को मुक्ति योद्धा कहा जाता है। बांग्लादेश में मुक्ति योद्धा के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण है, जिसका यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क था कि यह व्यवस्था भेदभावपूर्ण है, नौकरी मेरिट के आधार पर दी जानी चाहिए। बांग्लादेश में 2018 में इस व्यवस्था को खत्म किया गया था, लेकिन ढाका हाई कोर्ट ने अधिकारियों को आरक्षण व्यवस्था फिर से लागू करने का आदेश दिया, जिसके बाद इसे लेकर विरोध शुरू हुआ। अगला प्रश्न, नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए गंगा के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, बी गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना, सी गंगा पर नए पुलों का निर्माण करना, डी नए बांध बनाने के लिए। आंसर बी गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। एक्सप्लेनेशन, नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसका बजट परिव्यय 20,000 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए गंगा नदी का कायाकल्प, प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और पुनरुद्धार के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? ए 62 किलोग्राम, बी 57 किलोग्राम, सी 53 किलोग्राम, डी 50 किलोग्राम। आंसर डी 50 किलोग्राम। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक 2024 में 7 अगस्त का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा। पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके 50 ग्राम अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बता दें कि फोगाट ने क्यूबा की यूसनेलिस गुजमेन लोपेस को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी। फाइनल से विनेश के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद गोल्ड मेडल मैच सारा एन हिल्डेब्रांडट और यूसनेलिस गुजमेन लोपेज क्यूबा के बीच होगा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए जनरल वकर उज्जमान, बी खालिदा जिया, सी मोहम्मद यूनुस, डी जियाउर रहमान। आंसर सी मोहम्मद यूनुस। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने देर रात एक बयान में कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घातक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। वहीं बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 6 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 8 अगस्त, डी 9 अगस्त। आंसर बी 7 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। उनकी इस उपलब्धि के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ए मुसलमान द्वारा दान किया गया चल अचल संपत्तियों से, बी हलाला कानून में संशोधन से,
सी मुसलमान हज यात्रियों से, डी तीन तलाक कानून से। आंसर ए मुसलमान द्वारा दान किया गया चल अचल संपत्तियों से। एक्सप्लेनेशन वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 21 अगस्त। आंसर बी 7 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करना और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना है। ये दिन हथकरघा बुनकरों के कौशल और समर्पण का जश्न मनाने का एक अवसर है। ये खास दिन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? ए भारतीय विज्ञान संस्थान टीम, बी इसरो मंगलयान टीम, सी इसरो चंद्रयान 3 टीम, डी डीआरडीओ टीम। आंसर सी इसरो चंद्रयान 3 टीम। एक्सप्लेनेशन, इसरो चंद्रयान 3 टीम को अंतरिक्ष विज्ञान में उनके काम के लिए विज्ञान टीम पुरस्कार मिलेगा। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जी पद्मनाभन को जैविक विज्ञान में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम, डी पश्चिम बंगाल। आंसर डी पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ CPIM नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कोलकाता में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। वह अंतिम मार्क्सवादी मुख्यमंत्री थे और ज्योति बसु के बाद इस पद को संभाला था। अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? ए जर्मनी, बी स्पेन, सी बेल्जियम, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर बी स्पेन। एक्सप्लेनेशन, हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 जुलाई को स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। 52 साल बाद भारतीय टीम ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक अपने नाम किया है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी टीम कांसा लाने में सफल रही थी। भारत ने इस तरह ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में अपना 13वां पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई पदक नहीं। आंसर बी रजत। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में 89.45 मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो के साथ एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जिससे वह पाकिस्तान के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए। अगला प्रश्न, किस पूर्व भारतीय विकेटकीपर को दक्षिण अफ्रीका के SA20 लीग का एम्बेसडर घोषित किया गया? ए MS धोनी, बी विद्यमान साहा, सी दिनेश कार्तिक, डी पार्थिव पटेल। आंसर सी दिनेश कार्तिक। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण अफ्रीका के SA20 लीग ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को लीग का एम्बेसडर घोषित किया है। 39 वर्षीय पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट का गहरा ज्ञान है, जो 2008 में इसकी शुरुआत से ही इंडिया प्रीमियर लीग का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अपने 16 साल के IPL करियर के दौरान 6 टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। वह साउथ अफ्रीका की घरेलू T20 लीग SA20 का तीसरा सीजन खेलते नजर आएंगे। इसी के साथ वह SA20 खेलने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी फिलीपींस, डी फिजी। आंसर डी फिजी। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। मुर्मू को ये सम्मान फिजी के राष्ट्रपति रातु विलियम नेवालिनी काटोलिवेरे ने दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दक्षिण प्रशांत राष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान फिजी की संसद को भी संबोधित किया।
भारत के राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीयों, विशेषकर गिरमिटिया मजदूरों के योगदान की सराहना की तथा प्रवासी भारतीय समुदायों के महत्व पर बल दिया। फिजी और मॉरिशस जैसे स्थानों पर भेजे जाने वाले भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है? ए हरमनप्रीत सिंह, बी मनप्रीत सिंह, सी हार्दिक सिंह, डी पी आर श्रीजेश। आंसर ए हरमनप्रीत सिंह। एक्सप्लेनेशन, हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही अनुभवी गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिक 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत पदक जीता। अगला प्रश्न। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई? ए 25, बी 35, सी 45, डी 55। आंसर बी 35। एक्सप्लेनेशन, पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता शुरू की है। साल 2023 में आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के पहले संस्करण में कुल 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में मान्यता दी गई थी। इनमें उन गांवों को स्थान दिया गया है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित रखते हैं। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करना, बी नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, सी भारतीय त्योहारों को मनाने के लिए, डी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। आंसर बी नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। एक्सप्लेनेशन, नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाला हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देश के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता और गौरव को बढ़ाया जा सके। सरकार ने इस अभियान में भाग लेकर देश के सभी नागरिकों से अपने घरों में तिरंगा फहराने और झंडे के साथ एक सेल्फी क्लिक कर इसे harghartiranga.com पर अपलोड करने का आग्रह किया है। अगला प्रश्न। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? ए अमन सहरावत, बी सुशील कुमार, सी नीरज चोपड़ा, डी पीवी सिंधु। आंसर ए अमन सहरावत। एक्सप्लेनेशन, 9 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अमन सहरावत ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए। उन्होंने पीवी सिंधु को पीछे छोड़ते हुए 21 साल और 24 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ये रिकॉर्ड पीवी सिंधु के नाम था जिन्होंने 22 साल की उम्र में मेडल जीती थी। अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ए 4,00,000, बी 5,00,000, सी 6,00,000, डी 7,00,000। आंसर बी 5,00,000। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने UPI उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने UPI के जरिए भुगतान करने की सीमा 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए कर दी है। हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में यह फैसला लिया गया। पहले UPI के लिए भुगतान सीमा 1,00,000 रुपए थी। अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए उत्तर प्रदेश सरकार, बी FSSI, सी NEFED, डी NCDC। आंसर डी NCDC। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा लॉन्च की गई नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, हैंड होल्डिंग और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य NCDC के दायरे में महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना है। बता दें कि महिला सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। अगला प्रश्न। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? ए गति शक्ति, बी वज्र प्रहार, सी पर्वत प्रहार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी पर्वत प्रहार। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना ने हाई अल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया है। पर्वत प्रहार माउंटेन स्ट्राइक अभ्यास पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों पर जोर देता है जैसे कि पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं।